नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आरती। 12 जून का दिन पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक है। ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति, नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग का साथ आना भी ऐतिहासिक है और एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर चलना भी ऐतिहासिक। इन तस्वीरों को कोई भुला नहीं सकता। दुनिया को तीसरे महायुद्ध के मुहाने तक ले जाने को बेकरार किम जोंग उन डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के लिए एक मंच पर, शांति वार्ता के लिए एक टेबल पर बैठा है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप के होटल कपेला में दोनों के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। भारतीय समय के मुताबिक ये बैठक सुबह 6:30 बजे शुरू हुई थी। बैठक के बाद दोनों नेता बालकनी में बाहर आते हुए साथ दिखाई दिए और हाथ हिलाकर मीडिया का अभिवादन किया। ट्रंप ने कहा कि किम के साथ उनकी बैठक बहुत बहुत अच्छी रही और विश्वास जताया कि दोनों मिलकर किसी भी बड़ी समस्या या उलझन को सुलझा सकते हैं। ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि दोनों देश बड़ी सफलता पा सकते हैं और हमारे रिश्ते अब पहले से ज्यादा शानदार होंगे। वहीं उत्तर कोरिया के शासक ने कहा कि इस बैठक की राह में कई रोड़े थे, हमने उन सभी बाधाओं को पार किया और आज हम यहां तक पहुंचे। उम्मीद की जा रही है कि इस बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में तल्खी कम होगी। आपको याद होगा कि एक समय ऐसा भी था जब किम जोंग और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे। किम ट्रंप को पागल आदमी तो ट्रंप ने जोंग को नाटा आदमी कहकर मजाक तक उड़ाया था। किम आए दिन अपनी मिसाइलों को अमेरिका की ओर तान कर युद्ध की धमकी देता रहता था। लेकिन अब हालात बदले हैं और उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच अब बेहतर संबंध होंगे।